कुर्रुस उस्मान सीज़न 5 में फ़ातिमा खातून का किरदार अदा करने वाली ये अदाकारा कौन है और इनसे मुतल्लिक तमाम सवालात के जवाबात मुकम्मल मालूमात के साथ आप तक पहुंचाऊंगा। इस सीरीज़ में बाला खातून का दबदबा पहले से ही था और इनके चाहने वाले भी लाखों में थे, लेकिन फ़ातिमा खातून के आने के बाद बाला खातून कुछ फीकी फीकी सी लग रही हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, इस खूबसूरत दिलकश और दिलनशीन अदाकारा का असल नाम लिया कृष्ण है और इस खूबसूरत अदाकारा ने आला तालीम भी हासिल कर रखी है। बताया जाता है कि इन्होंने आर्ट्स एंड कल्चर में PhD की हुई है और इसको तुर्की की सबसे दिलकश और खूबसूरत एक्ट्रेस माना जाता है। इसके सामने हलीमा सुल्तान और बाला खातून भी फीके फीके दिखाई देते हैं। अभी तो उस्मान का सीजन 5 स्टार्ट हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता आप इनके दीवाने होते जाएंगे। इसे अदाकारा ने तुर्की के तकरीबन तमाम हिट ड्रामाज में काम किया हुआ है और इस बार कुर्रुस उस्मान की सीजन 5 में अपना जलवा दिखा रही है। कहा जाता है कि यह अदाकारा एक इंस्टाग्राम की पोस्ट के तकरीबन $1,00,000 चार्ज करती हैं, यानी ये तुर्की की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक हैं। इसके अलावा ये तुर्की के सबसे अमीर तरीन बिजनेसमैन की भतीजी हैं, जिनका नाम फेरत फाइक है, जिनकी टोटल वर्थ $3 बिलियन बताई जाती है। वो कहती हैं कि वो एक्टिंग पैसों के लिए नहीं बल्कि शौक से करती हैं और शौक की कोई कीमत नहीं होती। दोस्तों, अगर इस अदाकारा का उस्मान के सीजन 5 में आपको करेक्टर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी अपडेट्स वक्त पर मिल सके।